दोस्तों जैसे आज मॉडल की बात करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन हालांकि होने वाला है और साथ साथ यहां पर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी चारों डायरेक्शन डिफरेंट हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो आपको 29 फिट मिलता है देखने को और इधर की बात करें तो 65 फिट देखने को मिलता है। वहीं इधर की बात करें तो पहले ये आपका लगभग 21 फिट है, बाद बाकी फिर इधर आपका अंदर को कुछ गया है, फिर इधर गया और ये भी आपका कुछ देख सकते हैं एंगल बनाती हुई वॉल जा रही है। कुल मिलाकर अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो इस टाइप को आपको शेप देखने को मिलेगा, मतलब चारों साइडें इसकी डिफरेंट हैं। तो हमारे एक पेड यूजर थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है और उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको बेहतरीन सा डिज़ाइन चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिज़ाइन किया। उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया और ये पूरा उनके अकॉर्डिंग मॉडल क्रिएट किया गया। तो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस मॉडल का नाम मैंने 29x65 दिया है, 29 फ्रंट है और 65 ये है, हालांकि इधर आपकी साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब हैं। और यही पूरा मॉडल आज हम बहुत प्रॉपर तरीके डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूं, इससे इसका रियलिस्टिक व्यू आपको समझ में आ जाए मॉडल का। देख सकते ग्रिल कितनी प्यारी देखने को लग रही हो आपको, विंडो का डिज़ाइन। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने चारों तरफ विंडो नहीं दी हैं और देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर आपका एक भी विंडो नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर आपको चारों तरफ विंडो देखने को मिल जाएगा। अब उनकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने दिया है, अब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की, तो देख सकते हैं इधर आपके बेडरूम है और ये एक बारंदे का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं। मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों स्लोप है और बीच में स्टेयर्स है, दोनों तरफ पिलर है जिसमें बारंदा है। इसमें दोस्तों आपका देख सकते हैं गांव में जो खफरेहल का डिज़ाइन होता है उसको मैंने देने की कोशिश की है जिससे आपका घर का डिज़ाइन और भी बेहतरीन लगे। और इसके बाद जैसा आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपको बारंदे का डिज़ाइन मिलता है और इसी बारंदे से आपकी हर जगह एंट्री होगी। मेन डोर ये है, मेन डोर के दोनों तरफ प्रॉपर विंडो है, अगर आप एक विंडो देना चाहते हैं तो वो भी चलेगा, अगर दो देना चाहते हैं तो वो भी चलेगा, यहीं यहीं से एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले कि आपके एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है, इधर से आप एंट्री करेंगे गेस्ट रूम में और एक विंडो है गेस्ट रूम में और एक आगे भी विंडो है। तो गेस्ट रूम में दो विंडो है आपको, तो इसमें गेस्ट रूम को आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर तो आप आ जाते हैं आंगन में या हॉल में जैसे बोल सकते हैं, और हॉल से ही मैंने स्टेयर्स दिए। इधर से आप टर्न होकर बाहर की तरफ जाएंगे और ये दोस्तों एक अलग एरिया था, तो यहाँ पर इनका किचन मैंने डिजाइन किया है जिसके लिए एक डोर और एक विंडो का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके बाद दोस्तों ये पूरा लंबा सा एरिया था, तो देखिएगा इस रूम के एक्सेस करने के लिए मैंने आंगन से ही डोर और एक विंडो दिया है और इधर फिर इस रूम से आप एक गैलरी नुमा डिज़ाइन में जाएंगे और इस गैलरी नुमा से जाते ही आपको ये पहले वाले बेडरूम मैंने यहाँ पर एक विंडो दे दी। अगर आप गेट देना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, हालांकि गेट मैंने इस रूम के लिए बाहर से दे रखा है। फिर आगे बढ़े तो आपका एक और बेडरूम देखने को मिलता है, इस बेडरूम में जाने के लिए डोर और विंडो दिया है। सबसे पीछे आपको एक बेडरूम और मिलेगा जिसके लिए डोर अलग है और लेट बाद इनका यहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर इनका ऑलरेडी पहले से टैंक वगैरह बना था। तो यहाँ पर पीछे की बात करें तो तीन बेडरूम देखने को मिलते हैं, एक लेट बाद, ये बड़ी सी गैलरी और इस पीछे वाले दो बेडरूम में जाने के लिए गैलरी से डोर दिया है और आगे वाले में मैंने आंगन से दिया है। अगर आपका कुछ फेरबदल है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर आपकी इनकी किचन बनी हुई है और आगे बारंदा और गेस्ट रूम बना हुआ है। फ्रंट से आप देख सकते हैं खफरेहल के डिज़ाइन के साथ मोल्डिंग का डिज़ाइन मैंने दिया है और ये चारों तरफ से क्लोज्ड है ग्राउंड फ्लोर, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट, तो जैसे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं स्टेयर्स के माध्यम, तो सारा सिमिलर डिज़ाइन वही है, देख सकते हो वही तीनों बेडरूम, वही लेट बाथ। बस यहाँ पर मैंने विंडो जो एंगल वाली वॉल थी उस पर दो विंडो दिए हैं और पीछे इनका क्लोज रहना था, साइड में जितने बेड तीन बेडरूम तो हर एक बेडरूम में एक साइड से मैंने विंडो दे दी है, बाद बाकी आगे का वही किचन और आंगन और ये स्टेयर, साथ साथ गेस्ट रूम जो था वही ऊपर भी बेडरूम बना हुआ है। और ये देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा एक ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है, इसमें डोर वगैरह वही है जो कि बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। लास्ट में दोस्तों चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी और ये पूरा स्पेस यहाँ पर मैंने ग्रिल के फ्रंट में और इधर वाली ही दी है, बाद बाकी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये पूरा मॉडल आपका 29x65 में बनकर रेडी हो जाता है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके अकॉर्डिंग घर बना करके आपको दूंगा, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। पेड सर्विस लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें।
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, वहां पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।